तो देख सकते हैं एक एक्सीडेंट आप सभी की टीवीएस रेडर का क्या हालत हो चुकी है, टीवीएस रेडर की आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए बात करेंगे तो आपको पता है ओवरऑल जो गाड़ी है बहुत ही बेहतर है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। 125 cc वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बाइक है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है 125 cc सेगमेंट में, इसका बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स बना हुआ है। बाकी अगर आपके पास भी टीवीएस रेडर है कोई बाइक है तो बिल्कुल आप लोगों को संभल के चलाना है। टीवीएस रेडर में तो एक अच्छी चीज़ भी देखने को मिलती है, इसका जो मीटर कंसोल है वहाँ पर आपको हेलमेट का रिमाइंडर भी देखने को मिलता है कि आपको हेलमेट हमेशा वियर करना है। तो बिल्कुल आप लोग इस गाड़ी का चेकआउट कर सकते हैं, कंडीशन देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी वाइज भी थोड़ी बहुत इशू है, कंपनी को और बेहतर बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल प्रोवाइड करनी चाहिए। बाकी तो ओवरऑल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी का तो पूरा अंजर पंजर ढीला होना कन्फर्म ही रहता है, वो चाहे कोई भी गाड़ी हो कोई भी कंपनी की हो वो मैटर नहीं करता है। तो ओवरऑल इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके पास भी कोई भी गाड़ी है तो बिल्कुल आराम से चलाइए और संभल के चलाइए, बी सेफ और आप दूसरों को भी सेफ रखेंगे ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला। बाकी आप देख सकते हैं इस गाड़ी का ओवरऑल तो बिल्कुल गाड़ी तो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ओवरऑल। बस ये वीडियो का मोटिव ये रहने वाला कि आपके पास भी कोई भी बाइक हो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल आराम से चलाएं और संभल के चलाएं, ताकि अगर आप आराम से संभल के चलाएंगे तो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ना ही किसी और की आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो को भी जितना हो सके तो लोगों को शेयर करिएगा और गाड़ी आराम से चलाइएगा।